नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम दो योजनाओं की चर्चा करेंगे। एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना, और दूसरी जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। ये दो योजना बड़ी गजब की है। इस साल 2023 के मार्च के महीने में इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हुई है। ये योजना क्या है, इसमें कौन आयु वर्ग शामिल है, क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तब तक आप सारे विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपको छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से अवगत करवाते रहें, और शेयर भी कर देना। तो आज का, क्योंकि मैं वैसे नानक क्लासेस पे डेली आपकी क्लास लेता ही हूँ, तो वहीं से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के अलग से दे रहा हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। 20 मार्च 2023 को, कब? 20 मार्च 2023 को की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे इन दोनों योजनाओं की। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता तथा संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ अल्पसंख्यक मामला मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा 20 मार्च 2023 को किया गया। एक तो इस तारीख को याद रखना, किसके द्वारा, क्योंकि ये अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास की योजना है, तो इसका शुभारंभ भी जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी ने की। पात्रता, लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष, वार्षिक आय परिवार की 80 लाख तक या इससे कम होनी चाहिए। यानी पात्रता, अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 80 लाख, तो क्या है, 8 लाख है, 80 लाख नहीं 8 लाख है, कितनी, 8 लाख तक या अथवा इससे कम होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका, ये अल्पसंख्यक भाषा दक्षता संप्रेषण कौशल का उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी व अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना और संप्रेषण कौशल विकसित करके रोजगार प्राप्ति में सहयोग करना। देखो, ये अलग अलग भाषा सीख जाएंगे तो पर्यटक आएंगे और आएंगे तो बहुत सारी चीजें समझने में ये भाषाएं काम देगी, तो इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। तो आयु वर्ग ध्यान रखना 18 से 35 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख तक या इससे कम है होनी चाहिए। कब शुरुआत की, 20 मार्च 2023। एक योजना है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया, सेम वही तारीख वही साल 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को। योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित करके उनसे संपर्क करेगी। यानी नाम देखो, मुख्यमंत्री आश्रित, आश्रित का मतलब क्या, दूसरे पर आश्रित, तो उनकी सेवा करनी है, ठीक है, वो लोग जो आने जाने में दिक्कत हो, किसी भी सरकार की योजना का लाभ सरकार दे रही है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि वो आने जाने में उनकी दिक्कत है, तो चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है या किसी के किसी प्रकार की दिक्कत है, वो आ नहीं सकता, मान लो ई मित्रा तक नहीं पहुंच पाता, या कोई पैसे निकालने के लिए ये जो बीसी बनी होती है बैंक वाली, उनके पास नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी, उन व्यक्तियों को चिन्हित करेगी और उनके पास भिजवाकर उनकी सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के जो दिव्यांग है, वृद्ध, विधवा महिलाओं आदि आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जोड़ा जा सकेगा। तो इसको याद रखना है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को, यानी घर बैठे उनको सरकारी सेवाओं का लाभ देगी। इसके अलावा 20 मार्च को लॉन्च हुई थी जन आधार ई वॉल्ट योजना, जन आधार ई वॉलेट योजना 20 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को दिए जा रहे नगद राशि अथवा गैर नगद राशि के वाउचर का भुगतान करना है। तो ये दो योजना, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता व संप्रेषण कौशल विकास योजना, ये भी 20 मार्च 2023 को। तो इस प्रकार छोटी छोटी योजना बहुत ही कम समय में आपको इस प्रकार मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और निरंतर अध्ययन करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।